अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ग्लोरी है 580 प्रो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में। तो मैंने वीडियो बनाई थी इसकी टिकटॉक की, तो काफ़ी लोग जो है मुझसे रابطہ कर रहे थे कि इसकी थोड़ी डिटेल वीडियो बना के दें। तो डिटेल वीडियो के तो बताता हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये गाड़ी चली हुई है 11,000 किलोमीटर, बिल्कुल नई गाड़ी है। गाड़ी आप चेक कर सकते हैं, इसके अंदर अगर मैं बात करूँ आगे, आप ये देख सकते हैं इसकी ग्रिल जो कि बहुत अच्छी यानी कि लुक देती है गाड़ी का। इसके अलावा इसके अंदर जो आप लैंप देख रहे हैं आगे, हेडलाइट है कि फुल एलईडी लैंप है इसके, ये मैं आपको ऑन करके भी दिखाता हूँ अभी। तो इससे ज़रा आगे चलते हैं, अगर गाड़ी में आप देख सकते हैं अलॉय रिम जो है इसके काफ़ी अच्छे हैं, और डिज़ाइन मतलब काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिया हुआ इसका। और गाड़ी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, गाड़ी पूरी ओरिजिनल है। गाड़ी के अंदर कहीं कहीं कलम टचिंग है, मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ। एक जगह ये कलम टचिंग है, अगर ये आप देख सकें, ये खाली एक इस फेंडर पे कलम टचिंग है, बाकी पूरी गाड़ी जेन्युइन कंडीशन पर है और बहुत अच्छी कंडीशन है। आप गाड़ी कंडीशन वाइज देख सकते हैं, और अंदर से भी मैं इसका आपको अगर इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर भी आप देख सकते हैं, बहुत लग्जरी जो है इंटीरियर है इस गाड़ी का। तो वो भी मैं आपको लाइट ऑन वगैरह करके दिखाता हूँ। इसके अलावा जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसके आगे के जो लैंप है वो बहुत अच्छा देते हैं, बाकी इसकी सीटें वगैरह देख सकते हैं आप, ये सब ऑटो दिए हुए हैं इन्होंने। ये मैं जैसे आप देख सकते हैं मैं पीछे कर रहा हूँ, तो वहाँ से कैमरामैन मेरे आसाम भाई दिखा सकते हैं। बाकी गाड़ी माशाल्लाह से फुल अगर बात की जाए गाड़ी के अंदर, तो एक लग्जरी गाड़ी है। और इस रेंज में मतलब इतनी 7 सीटर गाड़ी मिलना, इस वक्त 7 सीटर गाड़ी का एक वो चला हुआ है पाकिस्तान में, ट्रेंड चला हुआ है कि हर बंदे को 7 सीटर गाड़ी चाहिए। तो अगर उस हिसाब से बात करें तो 7 सीटर गाड़ी है। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि अगर ये आसाम में दिखा सकें, पैनोरामिक सनरूफ होता है गाड़ी के अंदर, देख सकते हैं कितना बड़ा सनरूफ है। और सीटें इसकी बहुत एडजस्टेबल है, बहुत बहुत अच्छी सीटें यानी कि गाड़ी के अंदर दी हुई है। और आप इसका गाड़ी का इंटीरियर चेक कर सकते हैं। कीमत मैंने अपनी टिकटॉक आईडी पे भी बताई थी इस गाड़ी की, कि कीमत जो है गाड़ी की 62 लाख रुपये डिमांड है। तो अगर कोई भाई मेरा लेना चाहता है तो बिल्कुल रब्ता कर सकता है, उसके अंदर कमी बेशी जो भी होगी वो कर लेंगे। इसके अलावा गाड़ी की अगर इंटीरियर पर आ जाते हैं दोबारा, सब भाई ज़रा अंदर आ जाएँ मैं तो कह रहा हूँ, तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से इन्होंने यहाँ पर जो गेयर का जो सिस्टम वगैरह दिया हुआ है ना, ये बहुत लग्जरी है। आप ये देख सकते हैं मतलब जो एक पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं उनके अंदर तकरीबन ऐसा सिस्टम मिलेगा। इसका ये आप गेयर लीवर भी देख सकते हैं, तकरीबन इन्होंने ऐसा दिया हुआ है जैसे आई थिंक मर्सिडीज की गाड़ियों में होता है, तो बहुत अच्छा सिस्टम है। इसके अलावा इसकी LED पर बात कर लेते हैं। LED जो है इसके अंदर नॉर्मली गाड़ी के अंदर ऐसे लगी हुई होती है सामने की तरफ, लेकिन यहाँ पर ये उठी हुई है, आई थिंक ऑडी वाला शायद डिज़ाइन देने की कोशिश की गई है, जो ऑडी की गाड़ियों में तकरीबन ऐसी होती है। इसके अलावा अगर AC की बात करें तो ये AC के इसके देख सकते हैं सारे बटन वगैरह इन्होंने दिए हुए, जहाँ से आप अपना सारा AC जो है कंट्रोल कर सकते हैं। मज़ीद गाड़ी का मैं स्टार्टअप भी चेक कराता हूँ आपको, और इस गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो भी सब आपको बताते हैं। स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, तो फिर मैं आपको आगे मजीद बताता हूँ। अच्छा, तो मैं सबसे पहले आपको गाड़ी का स्टार्टअप, ये गाड़ी की है, गाड़ी का स्टार्टअप पहले चेक करते हैं। अच्छा, तो जैसा कि मैंने बताया था वीडियो में कि गाड़ी सिर्फ 11,000 किलोमीटर चली हुई है, तो यहाँ पर ये बंद कर देते हैं और इसका स्पेस चेक कराता हूँ मैं आपको। गाड़ी का स्पेस देख सकते हैं, ये मैंने अभी सनरूफ इसका ऑन किया है, आप देख सकते हैं पैनोरामिक सनरूफ है। तो और गाड़ी का स्पेस पीछे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस है। सीटों के बारे में जैसे कि मैंने बताया, काफ़ी कंफर्टेबल जो है सीटें हैं, पीछे भी इसके सीटें हैं काफ़ी अच्छी यानी कि आप देख सकते हैं सिस्टम है। और सनरूफ इसका काफ़ी बहुत बड़ा सा मतलब पैनोरामिक सनरूफ कहलाता है। तो इंशाल्लाह ये बात करते हैं और मज़ीद इस गाड़ी के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। ये आप गाड़ी देख सकते हैं, थोड़ा सा असम भाई थोड़ा सा अंदर आ जाएँ। अच्छा, इसके अंदर ये सेटअप रह गया था, मैंने बाद में देखा, तो ये सारा इसका ये जो आपकी LED लगी हुई है ना, ये सारा इसका सिस्टम है। और ये वॉल्यूम वगैरह यहाँ से आप सारा मतलब यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। मज़ीद गाड़ी के बारे में चलते हैं बाहर, मैं आपको और थोड़ी सी चीज़ें दिखाता हूँ कि वो गाड़ी क्या कह रही है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था कि इस गाड़ी के अंदर ये जो फुल LED टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, और बहुत अच्छी यानी कि आप आगे से अगर डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी अच्छी यानी कि डिज़ाइनिंग है। अगर इसके इंडिकेटर की बात करें तो वो बहुत अच्छे यानी कि एक लुक देता है। सामने इधर करीब करके दिखाएं हमारे देखने वालों को, तो ये काफ़ी अच्छे मतलब आप देख सकते हैं बहुत अच्छे लुक में यानी कि इन्होंने दिए हुए हैं। बाकी इसके टायरों की बात कर लेते हैं, 11,000 जैसे कि मैंने बताया गाड़ी चली हुई है, तो टायर इसके न्यू है, कोई ज़्यादा पुराने नहीं है, और जो कंपनी के अंदर आए हैं वही इसके अंदर टायर इंस्टॉल हुए हैं। तो गाड़ी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। और कीमत के बारे में मैंने बताया कि 62 लाख रुपए इस गाड़ी की डिमांड है। तो कोई भी भाई लेना चाहे तो बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकता है, नंबर जो है मेरा मिल जाएगा आपको कमेंट के अंदर, और काफ़ी लोगों के पास नंबर तो है वैसे भी रब्ता कर सकते हैं।
तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए इतने ही, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।